हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहां पर देखेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपकी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो है, आज मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे जब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन करवाया था, तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप कहोगे कमेंट्स में, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे वहां पर मिले थे कि सर, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आप लेकर आइए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपका आने वाले समय के एग्जाम में ग्रुप डी का एग्जाम है, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। यहां पर मैंने लास्ट 6 मंथ के एमपी के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड किया, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से भी जाकर आप उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 हो, तो x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन दिखे देखने को मिले, तो यहाँ पर हम इसी टाइप के क्वेश्चन को ही इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन को टाइप फर्स्ट नाम दे दीजिए, क्योंकि ये टाइप फर्स्ट है। यहाँ पर आपको x की पावर 2 पूछा सकता है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार से दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 हो जाएगा, या x की पावर 3 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 2 हो, तो x की पावर 2 प्लस 1 बाय x की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है ना, वहां पर आपको चेक करना है कि साइन कौन सा है, माइनस का है या प्लस का है। तो देखिए, यहां पर x माइनस 1 बाय x है, तो ये साइन अगर माइनस का होगा, तो आपको इसको अपोजिट बनाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये आप याद रखिए। अब यहां पर इसका यूज कैसे करेंगे वो आप समझिए। उसके बाद क्या बोला है, बराबर 2 हो, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। बहुत से स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर लोगे, विदाउट पेन, विदाउट कॉपी के इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए, बराबर में क्या है, 2 है, तो आपको क्या करना है, यहां पर स्क्वायर दिया है ना, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। यहां पर स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर करना है ना। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि साइन जो है अगर माइनस होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस कर लीजिए। यहां पर क्या कर दूं, मैं प्लस कर दूं, और जो भी स्क्वायर होगा, जो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो बस यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। देन 4 में अगर मैं 2 को ऐड कर लूं, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, यहां पर 6। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 6। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने विदिन 15 सेकंड में आपको सोल्व कर लेना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन चेक करना है कि माइनस का है तो प्लस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो आपका क्वेश्चन जो है विदिन 5 सेकंड में आंसर आने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक, अंत तक जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको सारे ही टॉपिक के क्वेश्चन, यहां पर मैं इस टाइप के जितने भी टाइप्स बनेंगे उन सभी को मैं यहां पर आपके सामने मतलब कवर कर दूंगा, तो आप अंत तक जरूर बनिएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, 6। आपको क्या करना है, यहां पर साइन चेक करना है सारे क्वेश्चन में, अगर माइनस का है तो प्लस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है। और अगर स्क्वायर की बात करें, यहां पर आपसे क्या पूछा है, एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2, तो आपको क्या करना है कि बराबर में जो भी वैल्यू दी हो, यहां पर 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और माइनस स्क्वायर करना है, और उसके बाद साइन अगर माइनस का है तो प्लस करके क्या कर देना, आपको स्क्वायर जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27। अगर यहां पर 2 की जगह वैल्यू 5 दी होती तो क्या आंसर आता, 27 इज राइट आंसर हो जाता। तो यहां पर हमने देख लिया माइनस वाली कंडीशन, अब मैं आपको प्लस वाली भी बता देता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है कि x प्लस 1 बाय एक्स, यहां पर अब देखिए आपको प्लस दिया, इससे पहले वाले टाइप में हम यहां पर माइनस कर रहे थे, अब इसको आप टाइप 2 दे दिए, नाइन इसका क्या हो गया, टाइप 2। अब यहां पर आपको प्लस बोला है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो भी वैल्यू होगी उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ये तो आप याद रखिए। उसके बाद देखिए, यहां पर चेक करना है कि पावर क्या दिया हुआ है, तो पावर 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहां पर अब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन चेंज होगा, तो क्या होगा, माइनस और 2 कर लीजिए। तो क्या होगा, यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 16 माइनस 2 बराबर कितना गया, 14। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। तो बस आपको यहां पर बस साइन का ध्यान रखना, अगर आपने साइन यहां पर चेक नहीं किया प्लस माइनस, तो आपका आंसर फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, 4 की पावर 2 प्लस कर दोगे 2, तो कितना निकल के आ जाएगी, 18। और 18 भी आपको क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में गिवन रहेगा, और आप उसको टिक कर दोगे, जो कि एकदम क्या होगा, गलत। आपको बस याद ही रखना है कि अगर प्लस का साइन है तो माइनस करना है, माइनस का साइन है तो प्लस करना है, बस इतना आपको याद रखना है। और पावर 2 हो तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर फाइव हो तो x का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आपको हमने स्क्वायर दिया था, अब क्या दे दिया है पर क्यूब दे दिया, ये टाइप नंबर आप इसको थ्री बोल लीजिए, टाइप क्या हो गया थ्री। अब यहां पर आपको क्या बोला है कि साइन सबसे पहले आपको चेक करना है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस तो करना पड़ेगा लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए बराबर में क्या दिया हुआ है फाइव, और यहां पर क्यूब करना है तो इस पूरे का क्यूब कर लीजिए, देन उसके बाद देखिए साइन चेंज होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फाइव का फाइव की पावर क्या है यहां पर थ्री है, तो बस यहां पर फाइव की पावर थ्री का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए फाइव और थ्री है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो फाइव का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस कितना हो जाएगा यहां पर पांच तीन पंद्रह हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 125 को 15 में से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 110, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 110 इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 5 का क्यूब करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या करना है माइनस करना है, अगर साइन प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस करना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा 110 इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी तरीके बता रहा हूं आप इनको रट लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहां पर क्या करना है 5 का क्यूब करना है और यहां पर ही 5 का मल्टीप्लाई 3 में करके आपको माइनस कर लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 110 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और यहां पर हम ले लेते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर टू हो तो x का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मुझे यहां पर माइनस वाला क्वेश्चन मिला नहीं है, मतलब यहां पर तो आपको तो यहां पर क्या करना है कि अगर प्लस है तो माइनस करना और माइनस है तो प्लस करना। अब यहां पर क्वेश्चन मुझे बुक में मिला नहीं है, हालांकि अगर इसको अगर आप देखेंगे तो माइनस से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर टू हो तो आपको एक्स का क्यूब प्लस वन बाय एक्स का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क यहां पर फाइंड करना है। तो करने का तरीका सबसे पहले क्या होगा, आपको साइन चेंज चेक करना है, प्लस का है तो माइनस करना है, तो सबसे पहले 2 का क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब कर दिया, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है और माइनस करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर क्या होगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा, 8 में से अगर मैं माइनस कर लूं तो कितना आएगा 6, तो अगर 8 में से अगर मैं 6 को माइनस कर लूं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी 2, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर चलिए अब एक क्वेश्चन हम ऐसे ही देख लेते हैं, मैं आपको मन से बना के बता देता हूं, यहां पर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू हम 7 मान लेते हैं, और यहां पर क्या ज्ञात करना है आपको x का क्यूब 1 बाय x का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे माइनस का क्वेश्चन बुक में मिला ही नहीं है, तो यहां पर हम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। अब यहां पर माइनस है तो सबसे पहले आपको चिन्ह चेंज करके प्लस करना पड़ेगा, आपको क्या करना है सबसे पहले 7 का क्यूब करना है, देन 7 का मल्टीप्लाई 3 करके इस बार क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो गया 3, 7 का क्यूब कितना होता है यहां पर आपको याद होगा 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, तो इसको अब योग कर लिए 3 और 1 कितना होगा यहाँ पर 4, 4 और 2 कितना होगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको करने का तरीका याद है तो यहाँ पर 2 दिया हो, 5 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो, कितना भी वैल्यू दिया हो उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो आपको बस क्या करना है यहाँ पर करने का तरीका सीखना पड़ेगा, तो अगर माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3 गिवन है, तो आपको क्या ज्ञात करना है कि x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्या ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो आप इसको टाइप नंबर 4 बोल दीजिए, क्या होगा टाइप नंबर 4। अब यहां पर मैंने x की पावर 2 हो वो भी करा दिया, x की पावर 3 हो वो वाला भी करा दिया, अब यहां पर आ गए हम x की पावर 4, यहां पर आपको सिर्फ x की पावर 4 तक ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चंस तो हाई लेवल के मतलब क्वेश्चंस जो है वो आप तो आपको मतलब ऐसी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन वो करने का अगर आपको तरीका पता है तो बहुत ही ईजी टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यहां पर अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो यहां पर आपको एक्स की पावर 4 दिए, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा साइन चेंज करिए, यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या कर लीजिए माइनस। अब यहां पर ऐसा नहीं करना है आपको कि 3 की पावर 4 कर देना, ये तरीका एकदम गलत है, क्लियर है। अब यहां पर आपको इसको सोल्व कैसे करना है वो आप देखिए। अब हमने यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, चलिए थोड़ा सा इधर से आप थोड़ा समझ लीजिए, यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर 3, और अगर मैं आपको बोल दूं कि x की पावर 2 प्लस वन बाय एक्स की पावर 2, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा प्लस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा माइनस, और कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ये हमने देखा पहले क्वेश्चन में। तो बस यही ट्रिक आपको इसमें फॉलो करनी है, लेकिन दो बार करनी है। अब किस तरीके से करनी है, आपको क्या करना है अगर क्यूब मतलब घात 4 हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर, इतना समझ में आया। साइन चेंज कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से अगर मैं माइनस 2 कर लूं तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी 7 आएगी, इतना आपको समझ में आया।
ये तो हो गया आपको पहली बार ये करना है, पहला तरीका आपको ये करना है। इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, आप समझिएगा, थोड़ा सा रुकिए, समझिए इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर क्या है, माइनस स्क्वायर किया तो माइनस 2 करना पड़ेगा। ये आपको फर्स्ट टाइप में मैं बता चुका हूं पहले ही कि अगर आपको स्क्वायर करना है, पूछा है यहां पर, देखिए यहां पर आप देखते रहिए, तो अगर स्क्वायर करना है और माइनस क्या करना है, स्क्वायर करना तो 7। उसके बाद वही प्रक्रिया आपको एक बार और दोहरानी है, और आप कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, जो भी आंसर आएगा ना उसको आपको दोहराना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 7 की पावर 2 कर दूं, माइनस फिर से 2 कर दूं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस यहां पर क्या होगा, 7 × 7 = 49 माइनस 2 तो बराबर कितना आएगा, 47। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 47। ये प्रक्रिया आपने दूसरी बार कर ली। तो ये जो 4 × 4 होना, तो आपको इस तरीके से करना है, मतलब जो 2 की पावर जो होती है ना उसी को फॉलो करना है। पहले आपको ऐसे करना है, जो भी आपकी वैल्यू आंसर निकल के आएगी उसी को आपको वापस दोहराना है, और क्या करना है कि 7 × 2 करके माइनस 2 कर देना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आएगा कि 41 में से अगर माइनस 2 करोगे तो 47 आएगा। अब यहां पर ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि यहां पर प्लस का साइन है, तो अगर माइनस का आ गया तो हम क्या कर लेंगे, माइनस का आएगा तो आप साइन चेंज करके प्लस कर देना, क्लियर है। तो ये वाला डाउट आपके पास नहीं आना चाहिए या आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये साइन जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहां पर सिर्फ सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया यहां पर कि अगर पावर 4 हो तो आपको जो है इस तरीके से सोल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां पर भी मुझे प्लस का ही मिला है, तो यहां पर देखिए एक्स हो, ए हो, वाई हो, जेड हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं। ए प्लस 1/a = 6 हो तो a की पावर 4 प्लस 1/a = 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको ज्ञात करना है ये क्वेश्चन। देखिए यहां पर जो है ये टाइप नंबर 5 ही, इसको मान लीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है यहां पर। तो सबसे पहले साइन हम देख लेते हैं, यहां पर माइनस करना पड़ेगा। तो आपको यहां पर 4 बोला है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 6 की पावर 2 करेंगे। आप देखिए हम कितनी जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 6 की पावर 2 करेंगे फिर माइनस 2 कर देंगे। ये पहला काम हो गया हमारा, पहला काम हो गया। तो क्या होगा, 6 की पावर 2 36 में से अगर मैं 2 को माइनस कर लूं तो कितना आएगा, 34। अब इसी 34 को आपको क्या करना है, वापस से इसी कैसे करना है, तो 34 की पावर 2 माइनस क्या करना है, वापस से आपको 2 कर लेना। तो देखिए कितनी जल्दी सोल्व होगा, 34 की पावर 2 मतलब 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 माइनस 2, ये आपका आंसर निकल के आ गया 1154। देखा आपने कितनी इजी तरीके से और कितनी जल्दी इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको करने का तरीका और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सोल्व कर लोगे एग्जाम में। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहां पर कोष्टक लगाते हैं बराबर के, उधर पावर ये वो, तो आपको वो सारी चीजें नहीं करना है क्योंकि आपके सामने सिर्फ 3 ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो x की पावर 2 x की पावर 3 और x की पावर 4। तो आपको अगर ये तरीका याद है तो आपको कोई सी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर पाओगे, अगर आपको तरीका अगर पता है करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस है यहाँ पर, और क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास है या फिर आप नेट से निकालिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आपके आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड में आने लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम से रिलेटेड, तो उसके क्या होगा कि आपको उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से जाकर भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, सारे लेसन को देख सकते हो। थैंक यू।